क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं आपके सामने लाया हूँ नई वीडियो अबाउट हाउ टू चूज द बेस्ट पेमेंट गेटवे इन इंडिया इन 2022। और ये वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको इंडियन ई कॉम करना है तो आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए। और मेरे पास ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है या बेस्ट पेमेंट गेटवे को हम चूज़ कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बेस्ट पेमेंट गेटवे या जो भी आप पेमेंट्स लेने जाते हो अपनी वेबसाइट पे, आप कैसे सेलेक्ट करो, किस प्रोवाइडर को आप यूज़ करोगे और किस पैरामीटर्स पे उसको बेसिकली इवेल्युएट करोगे। तो मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ओके दोस्तों, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से पेमेंट गेटवेज जो हैं प्रोमिनेंट जो मार्केट में हैं, और मैं उन्हें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जज करने वाला हूँ या इवेल्युएट करने लगा हूँ, और उसके बेसिस पे हम एक ड्रॉ करेंगे कि कौन सा पेमेंट गेटवे आपके बिजनेस के लिए बेटर है, आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए अच्छा है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले जो पेमेंट गेटवे है वो हम यूज़ करने वाले हैं इवेल्यूएशन के लिए, वो उसका नाम होगा पेटीएम पेमेंट गेटवे, दूसरा जो है आपका है रेजर पे, और तीसरा जो है आपका है वो पेयू। मैं इन तीनों का पार्ट इस वजह से इन तीनों के बारे में इस वजह से बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये तीनों यूज़ कर चुका हूँ और मार्केट में कहीं ना कहीं ये तीन ही प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, और इसके बाद और भी कई प्लेयर्स हैं बट हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं जिसके बेसिस पे हम इन्हें इवैल्यूएट करेंगे, आप उन पैरामीटर्स पे दूसरे जितने भी आपको पेमेंट गेटवे दिखें आप उनको बेसिकली जज कर सकते हो और आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले बात आती है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की बात जो है, फॉर एग्जांपल आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हो और आपका शॉपिफाई पे बिजनेस है, आपका मे बी बिजनेस वू कॉमर्स पे, आपका विक्स के ऊपर मे बी बिजनेस है, मे बी आपका कोई एक्स्ट्रा कोई और प्लेटफॉर्म, मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, सीआरएम्स आ चुके हैं, तो जो पेटीएम पेमेंट गेटवे है उसकी जो इंटीग्रेशन है इस तरीके के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन है 30 के अराउंड इंटीग्रेशन जो हैं अवेलेबल हैं वो पेटीएम पेमेंट गेटवे में है। रेजर पे में अराउंड 13 के आसपास है और पेयू में 25 के आसपास है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे रेजर पे सबसे नीचे जा रहा है और पेटीएम पेमेंट गेटवे सबसे आगे जा रहा, लीड कर रहा है। दूसरी बात आती है रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी की बात में हम मान लो कि आपके पास ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं और एक नॉर्मल सीजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मान लो कि अब आ गया वैलेंटाइंस डे या मदर्स डे या मे बी आपका पीक सीजन आता है दिवाली के समय, तो उस समय पर सेकेंड बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आ रही होती हैं। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितनी आ रही होंगी, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो उनके पास ज़्यादा लोड लेने की कैपेसिटी हो ट्रांजेक्शन्स की, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी पेमेंट जो होंगी फेल हो जाएंगी। आपने कई बार देखा भी होगा, मेरे साथ पर्सनली पर्सनल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपनी ख़राब है, बट मैंने देखा था कि रेजर पे में मेरी कई बार पेमेंट्स फेल हो जाती थी और मैं सोचता था ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब मेरे पास हर दिन फेल पेमेंट्स आती थी, और वो फेल्ड पेमेंट्स इस वजह से नहीं होती थी कि लोगों ने अवॉइड कर दिया, वो पेमेंट्स ऐसे होती थी कि यूज़र बोलता था कि मैंने तो पेमेंट कर दिया है, मेरे पेमेंट्स पैसे कट गए हैं, इस तरीके के इश्यूज़ आते थे, कई डिफरेंट तरीके के इश्यूज़ आते थे कि पेमेंट आगे जाती नहीं थी मल्टीपल। तो मुझे लगा कि यार ये पक्का इशू जो है ये इनके सर्वर से रिलेटेड है और इनकी इफिशेंसी रिलेटेड है, मे बी अब उन्होंने बेटर कर दिया। बट जब मैंने अपना डेटा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि जो पेटीएम पेमेंट गेटवे है वो 3000 ट्रांजेक्शन्स करता है पर सेकेंड। रेजर पे और पेयू का डेटा मुझे कहीं भी क्लियरली नहीं मिल पाया, बट कई जगह पे ब्लॉग्स में लिखे हुए थे कुछ नंबर्स, जो कि नंबर्स 3000 से तो डेफिनेटली कम थे। मैं कोट नहीं करना चाहता कि क्या नंबर्स थे, बट मेरे रिसर्च में वो नंबर 3000 से कम मुझे दिखाई दिए, एंड आई कैन बी 100% रॉन्ग इन इट एज वेल, बट 3000 मुझे एक बहुत रिस्पेक्टेड फिगर लगी। आप डेफिनेटली आप रेजर पे और पेयू के बारे में रिसर्च कर सकते हैं वो कितने नंबर्स कर रहे हैं, आसपास कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कर रहे हैं, इससे कम कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। बट 3000 इज़ इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। 3000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर 3000 ट्रांजेक्शन पेटीएम पेमेंट गेटवे लोड ले सकता है उतने का। तीसरा आता है चेकआउट एक्सपीरियंस। तो चेकआउट एक्सपीरियंस में हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप पेमेंट दे रहे हो, आपने एड टू कार्ट किया, फिर बाय नाउ किया, या आपने बाय नाउ करके सीधा आप पहुंच गए जहां पे आपको डिफरेंट पेमेंट मोड्स दिखते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड दिखता है, डेबिट कार्ड दिखता है, नेट बैंकिंग दिखती है, वॉलेट्स दिखते हैं, इस तरीके के ऑप्शन दिखते हैं, गिफ्ट कार्ड दिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे जो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि जो पेटीएम है उसमें आपके पास
पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन आता है जिसमें आप पेटीएम के वॉलेट के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाते हैं। आपके अगर फ़ोन में पेटीएम है आप वहाँ से सेटअप कर सकते हो, आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो पेटीएम के अंदर। और जो रेजर पे और पेयू हैं वो भी वॉलेट देते हैं लेकिन वो पेटीएम का वॉलेट नहीं देते। अब अगर एक मैं आम इंसान हूँ और मैं यहाँ मतलब मैंने पर्सनली देखा है कि हम सबसे ज़्यादा पेटीएम यूज़ कर रहे हैं सारी पेमेंट्स करने के लिए। मतलब सबसे पहले पेटीएम ने ही हमें ट्रेन किया था क्यूआर कोड को स्कैन कैसे करते हैं, पेमेंट्स कैसे करते हैं। ओके, तो ज़्यादातर जनता के पास पेटीएम है और पेटीएम वॉलेट सिर्फ पेटीएम पेमेंट गेटवे ही प्रोवाइड कर रहा है, रेजर पे और पेयू इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर रहा। आई डोंट नो द रीज़न बट वो दूसरे वॉलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीचार्ज का, पेज़ैप का, एयरटेल का, मोबीवेक, ऐसे अलग अलग इन दोनों के पास, बट पेटीएम नहीं दे रहे। लेकिन पेटीएम मुझे लगता है कि उसकी पेंट्रेशन मार्केट लीडर है और उसकी होनी चाहिए, तो रेजर पे में उनकी इंटीग्रेशन नहीं है और दूसरे वॉलेट की है, तो आप वो चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है प्राइसिंग या फीस का। तो आप पर ट्रांजेक्शन एक फ़ीस देते हो, पेमेंट गेटवेज इस तरीके से बेसिकली मेरे ख्याल से पैसा बनाते हैं और उनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू यहीं से आता है, मेरे ख्याल से सारा का सारा रेवेन्यू इसी वजह से आता है उनका। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बाहर निकल के आई कि जो पेटीएम पेमेंट गेटवे है वो यूपीआई और रुपए की ट्रांजेक्शन, जो रुपए कार्ड हैं और जो यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं ले रहा। UPI is like 40% of the online transaction right now in India, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। मैंने खुद भी अपने पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस में ये देखा है कि हमारे पास जो ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं वो 40% पेमेंट्स जो होती हैं UPI के थ्रू होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ईजी है, लोग बहुत टाइम से अब यूज़ करने लग गए हैं, पेनिट्रेशन अच्छा खासा आ गया है, सिक्योर है सारी चीज़ें एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट रेजर पे और पे जो हैं वो चार्ज करते हैं इसके ऊपर 1-2% जो भी उनकी फिगर हैं, जबकि जो ये जो टेक्नोलॉजी है यूपीआई की वो कम्प्लीटली फ्री है। तो दे आर चार्जिंग फॉर यू, चार्जिंग यू फॉर दैट। तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि पेटीएम पेमेंट गेटवे वालों ने ये चीज़ फ्री कर रखी है यूपीआई एंड रुपए, लेकिन रेजर पे और पे यू चार्ज कर रहे हैं, एंड एवरी सिंगल यू नो अमाउंट विच यू कैन सेव इन योर बिजनेस मैटर्स। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप ना कोई भी जब बेस्ट पेमेंट गेटवे देखने निकलोगे ना तो इस बेसिस पे आप चेक करना और आप विड्रॉ कर पाओगे। हम भी इसमें से एक ड्रॉ करेंगे कौन सा सबसे बेटर है। अब आती है सेटलमेंट टाइमिंग की बात। तो सेटलमेंट टाइमिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज एक ऑर्डर आया, उसने ऑनलाइन ऑर्डर में प्लेस किया था, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मेरे को दिखेंगे मेरे पास पैसे आ गए हैं। अब ये पैसे पहले जाते हैं पेमेंट गेटवे में, फिर पेमेंट गेटवे उसे एक्यूमुलेट करता है उस दिन की सारी ट्रांजैक्शन को, सारे ऑर्डर्स को, और फिर उसके बाद वो आपको सेंड करता है। अब वो जो सेंड करने का टाइम है, लेके आपको भेजने का टाइम है आपके बैंक अकाउंट में, उसे बोलते हैं सेटलमेंट कितने टाइम में हो रही है। तो जो पेटीएम पेमेंट गेटवे की सेटलमेंट टाइमिंग है वो है T+1 और उसमें हॉलीडे इंक्लूड है, और मतलब उसके अंदर हॉलीडे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्या। और रेजर पे जनरली T+2 और कई केसेस में T+7 T+10 तक भी ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन वो कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं इस तरीके से। मेरे साथ हो चुका है, मेरे T+2 भी आ चुका है, मेरे पास T+10 भी आ चुका है मेरे पास। तो मतलब मुझे अपने पैसों को वेट, मतलब अगर मेरे पास जो आज ट्रांजेक्शन आई है बेस्ट केस सिनेरियो में मुझे तीसरे दिन में मिल जाएगी, और कुछ नॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्वेंस चांसेस हो सकते हैं कि मेरे पास वो ट्रांजेक्शन शायद 10वें दिन या 7वें या 8वें दिन जाके सेटल हो, वहाँ पर मेरे पास कैश फ्लो इशू आ जाएगा। और एक बिज़नेस के लिए, बूटस्ट्रैप बिज़नेस के लिए जिसमें आप खुद अपना पैसा लगा रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आप इन्वेंट्री कैसे बाय करोगे, मार्केटिंग में कैसे पैसे खर्चोगे, अपने ओवरहेड्स को कैसे पे करोगे एटसेट्रा। पेयू में भी T+2 की जनरली साइकिल आती है। और तो इनमें क्या सीन है कि अगर आपका मान लें हॉलीडे पड़ भी गया, तो जो सेटलमेंट टाइमिंग पेटीएम पेमेंट गेटवे की है वो हॉलीडे को भी वो काउंट कर लेता है कि हाँ हॉलीडे को मान के चलते हैं, वो T+1 के अंदर हॉलीडे इंक्लूड कर लेते हैं वो लोग। रेजर पे और पेयू ऐसा नहीं करते, वो उसको वर्किंग डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी टाइमलाइन और शिफ्ट हो जाती है, अगर सैटरडे संडे में अगर ऐसा बीच में कुछ हो गया, पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो आपका थोड़ा सा और लंबा पहुंच जाएगा आपका सेटलमेंट टाइमिंग। इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑलमोस्ट सारे ही पेमेंट गेटवेज इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑफर करते हैं, कईयों में अप्रूवल लेना पड़ता है, कईयों में बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है, आपको ये बात देखना पड़ेगा। बट ये ऑप्शन तो सब में है आपके पास, ठीक है। अप्रूवल का जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है, एंड उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और शायद अभी आप चेक करो तो आपको अवेलेबल मिल जाए, शायद ना भी मिले, और जब आप मे बी 1-1.5 महीने बाद जो वीडियो देख रहे हैं शायद उस समय जनरली सब में अप्लीकेबल हो जाए, तो इस पॉइंट पर भी आप देख लेना। तो ये पैरामीटर्स के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, पेटीएम पेमेंट गेटवे जो है
वो लीड कर रहा है और करना भी चाहिए उसे लीड, क्योंकि एक तो सबसे काइंड ऑफ मार्केट के अंदर इसकी पेनिट्रेशन अच्छी खासी है, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, विजिबिलिटी ज़्यादा है, लोग पेटीएम ऑप्शन यूज़ करते हैं फॉर देयर यू नो फ़ोन के थ्रू पेमेंट करने के लिए, तो उनको दिमाग में पेटीएम नाम पहले से है, तो ब्रांडिंग भी हो रही है और ट्रांजेक्शन लिमिट भी अच्छी खासी हैं, वॉलेट इंटीग्रेशन भी है, UPI आपको फ्री मिल रहा है, सेटलमेंट टाइमिंग आपकी अच्छी है, तो इन सब चीज़ों को मिलाएं तो एक अच्छा खासा पैकेज बन रहा है पेटीएम पेमेंट गेटवे का। तो आई वुड से कि पेटीएम पेमेंट गेटवे इज़ वन ऑफ द लीडिंग वन एंड लाइक इज़ द बेस्ट राइट नाउ इन द मार्केट, एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको इस तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो डू लेट मी नो और कमेंट करके बताना और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर पसंद आए, और इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियो डेफिनेटली लेट मी नो, मैं और ऐसी वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो नाउ।